वट सावित्री व्रत 2024 में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पारण कैसे किया जाता है वट सावित्री का, गर्भवती महिलाएं वट सावित्री कर सकती हैं कि नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। वट सावित्री व्रत 2024 पूजा मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। पहली बार वट सावित्री व्रत में इस विधि से करें पूजा। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर ले, इस दौरान लाल रंग की साड़ी पहने। वट सावित्री व्रत दिन सुबह दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करें। मुहूर्त के अनुसार वट वृक्ष के पास साफ सफाई करते हुए वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इस दौरान बांस की 2 टोकरी में सप्त धान रखें। बता दें, इस पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें, दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। इस दौरान पूजा करते हुए वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इस दौरान चावल के आटे का पिठार जरूर लगाएं। बाद में आप रोली, अक्षत, पान, फल, सुपारी, फूल, बताशे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। बाद में वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटे फिर कथा सुने या पढ़ें। वट सावित्री व्रत सामग्री की सूची: बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, फल लाल या पीला और फूलों की माला, वट वृक्ष की डाल, भींगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप, बत्ती, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल पीला, मिट्टी का घड़ा, दीप बत्ती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगा जल मिश्रित जल। क्या इस वर्ष नवविवाहित को वट सावित्री व्रत का आरंभ करना चाहिए? वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा, लेकिन 30 जून तक शुक्र ग्रह अस्त रहेगा। शुक्र ग्रह के अस्त होने पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और वट सावित्री व्रत स्त्रियों के सुहाग से संबंधित होता है। जो लोग पहले से व्रत करते हैं वो इस वर्ष भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु या शुक्र ग्रह के अस्त होने पर कोई नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। ये व्रत उम्र भर के लिए शुरू किया जाता है। इस व्रत का आरंभ भी शुभ समय में करना चाहिए। जो लोग पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं वो अगले वर्ष करें, क्योंकि ये एक तरह का मांगलिक कार्य ही होता है। वट सावित्री व्रत गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे उठाएं? गर्भवती महिलाएं वट सावित्री व्रत रख सकती हैं, लेकिन वट वृक्ष की परिक्रमा ना करें।